देश से बाहर भी हैं डेरा के अनुयायी लगा है भक्तों को नपुंसक बनाने का आरोप। जाने बाबा राम रहीम के साथ बड़ी बातें। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे यौन शोषण मामले में विशेष सीबीआई अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले से पहले पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पूरे पंचकूला शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और शहर में धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के बाद भी हजारों डेरा समर्थक पंचकूला पहुंच चुके हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक बाबा राम रहीम के लिए महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग घर बार छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। आइए जानते हैं कौन है गुरमीत राम रहीम जिनके समर्थन में इतने लोग आ रहे हैं। दशा सतनाम सिंह के उत्तराधिकारी गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया में जाट सिख परिवार में हुआ। उन्होंने 15 अगस्त को अपना 50वां जन्मदिन मनाया। 1990 में शाह सतनाम सिंह ने गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर बाबा राम रहीम की अगुवाई में डेरे की लोकप्रियता बढ़ने लगी। डेरा सच्चा सौदा सामाजिक समरसता बढ़ाने, नशा मुक्ति और मानव सेवा से लेकर सर्वधर्म संभाव का संदेश देता है। परिवार गुरमीत राम रहीम सिंह को 2 बेटी और 1 बेटा है। इसके अलावा उन्होंने 1 बेटी को गोद लिया हुआ है। सभी बच्चों की पढ़ाई डेरे के स्कूल में ही हुई है। गुरमीत राम रहीम के बेटे की शादी भटिंडा के पूर्व विधायक हरमिंदर सिंह जसी की बेटी से शादी हुई है। गुरमीत राम रहीम सिंह के दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। दुनिया भर में भक्त दावा किया जाता है कि दुनिया भर में डेरे के करीब 5 करोड़ भक्त हैं। बताया यह भी जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के आश्रम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और तो और यूएई में है। हरियाणा के सिरसा जिला में डेरा सच्चा सौदा का आश्रम लगभग 68 सालों से चल रहा है। डेरा सच्चा सौदा के देश भर में 50 आश्रम हैं। गाड़ियों के शौकीन बाबा राम रहीम के पास ढेरों लग्जरी कार्स हैं। वो मॉडिफाइड गाड़ियों के शौकीन हैं। खबरों के अनुसार राम रहीम कारों को खुद डिजाइन करते हैं। करोड़ों की जमीन सिरसा में करीब 700 एकड़ की खेती की जमीन बाबा राम रहीम के पास है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 175 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है। इसके अलावा राम रहीम एक गैस स्टेशन और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी चलाते हैं। डेरा सच्चा सौदा की जमीन और जायदाद का रखरखाव एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है जिसके मुखिया बाबा राम रहीम है। फिल्मों में भी कर चुके हैं काम। गुरमीत राम रहीम की फिल्मों में बहुत रुचि है। साल 2015 में मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म के साथ वे सुर्खियों में आए थे। अब तक उनकी कई फिल्में आ चुकी हैं। इल्जाम बता दें कि गुरमीत राम रहीम पर उनकी पूर्व महिला अनुयायी ने डेरा शिविर में उससे कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी राम रहीम पर आरोप है। डेरा प्रमुख पर डेरे के 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप भी है।